चले जाते हैं, इधर के उधर चले जाते हैं, और जो जिनकी हैबिट हो मुल्क सुधारने में इतना रोल अदा ना हुआ हो, जो बेवफाई अपने पार्टी से भी करके दूसरी पार्टी में चला जाता हो, उसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर उनको कुछ डांटेंगे भी तो वो भी नाराज़ हो जाएगा, अगर हम कहेंगे सच्ची बात तो वो भी नाराज़ हो जाएगा। तो इमरान खान का भी हाल यही होगा जिस तरह दूसरे पार्टियों का हुआ है। इमरान खान की हमारी ख्वाहिश है कि 5 साल जम्हूरियत चले, हमारी ख्वाहिश है कि 5 साल पूरा करे। मुझे नज़र नहीं आ रहा है 5 साल पूरा करने में, ये खुद भी ऐसा भी वक्त आ सकता है कि असेंबली डिसॉल्व करने के लिए खुद ही ऐलान करे और फिर कहे कि मुझे मैंडेट दे दो 2/3, और मैं जब मैंडेट देंगे तो मैं वो जो कुछ मेरे जहनों में बातें हैं वो पाया तकमील तक पहुंचा सकूंगा। देखो, इख्तलाफात राय हो सकती है, इख्तलाफात किस हद तक इख्तलाफात राय में आप ट्रांसफ़र करें तो बेहतर है। बाकी पार्टी नवाज शरीफ के साथ है और शहबाज शरीफ साहब का इतना नहीं रोल होना चाहिए जितना वो समझ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ को कह दे चलाना चाहिए इनको, लेकिन ख्वाजा आसिफ और टाइप का आदमी था और शहबाज शरीफ साहब और टाइप का आदमी है। अगर इकट्ठी अपोजिशन होगी तो स्ट्रांगेस्ट अपोजिशन होगी और सब बड़ी बड़ी पार्टियों के सरबराह होंगे, तो मेरे ख्याल में अगर अपोजिशन स्ट्रांग हुई तो मुल्क भी अच्छे तरीके से चल सकता है। मैं तो ये दुआ करूंगा कि अल्लाह करे खैरियत से गुड गवर्नेंस, अच्छी हुकूमत चले, रोज़गार मिले, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, बाहर से पैसा आए। जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, अच्छी बात है, बाहर से पैसे लाने में अच्छी बात है, लेकिन इब्तदा तो अपनों से ही करनी पड़ेगी। पहले अपनों से करेंगे तभी सब मानेंगे, और वो मैं मशवरा भी दूँगा, पहले अपनों से करें तो बेहतर है।